नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 370 कर्मचारियों को बधाई जिनका नियमितीकरण हुआ है। 1 तारीख को सभी की तनख्वाह ट्रांसफर। एमसीडी को लेकर जितनी गारंटी दी थी वो सभी पूरी होगी। आज की जानकारी एमसीडी कर्मचारियों के लिए है। यदि आप भी दिल्ली राज्य के अधीन आते हैं और आप भी एमसीडी के कर्मचारी हैं, आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के सीएम हैं, उनकी मुंहजुबानी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने अपने ऐलान में क्या-क्या बात कही है। आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक नज़र यहाँ पर भी डाल लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम एमसीडी के संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने ऐलान में कहा है कि सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से पहले मैंने सबको यह गारंटी दिया था कि कर्मचारियों को नियमित करूंगा, मैं आज कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। कर्मचारियों को नियमित करना बहुत बड़ा काम है, बाकी लोगों को भी नियमित किया जाएगा। हालांकि थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन सभी को नियमित किया जाएगा। आप सभी लोगों को देखिए, आप सभी लोगों के अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में कर्मचारी वही है और अधिकारी भी वही है। यदि कुछ बदला है तो वह एमसीडी की सरकार अब ईमानदार सरकार है, इसीलिए सभी समय समय से सैलरी मिल जाती है, तनख्वाह खाते में ट्रांसफर हो जाती है। सीएम केजरीवाल द्वारा 370 कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दी गई है जिनका नियमितीकरण हो रहा है। वाकई का सभी करेंगे। देखिए, बाकी जो बचे हुए हैं उन सभी का नियमितीकरण होगा, बस उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। 2 महीने से कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी से समय से मिल रही है। इससे पहले ऐसा सिर्फ वर्ष 2010 में हुआ था। अब देखिए, ये तो यहाँ पर जो उनका ऐलान है, आपने ऐलान यहाँ पर देखा और पढ़ा। अब हम उनकी मुंहजुबानी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, तो यहाँ पर हम सीधे ही उनके ट्विटर हैंडल पर लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आज मुझे यकीन हो गया है कि एमसीडी को लेकर जितनी गारंटी दी थी वो सभी पूरी होगी। 370 कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई जिनका नियमितीकरण हो रहा है, बाकियों का भी करेंगे, बस थोड़ा समय लगेगा। 2 महीने से कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिल रही है, इससे पहले सिर्फ 2010 में ऐसा हुआ था। मैं गारंटी देता लेकिन हूं, मेरी फिर गारंटी उसी है, को पूरा करता हूं। और एक बार देखिए, जो मैं कह देता हूं मैं करता हूं, चाहे हम लोगों ने जितने सपने देखे थे नगर निगम को लेके, वो आज मुझे पूरा यकीन हो गया। दिल्ली नगर निगम को लेके जितने सपने देखे थे, जितनी गारंटी दी थी, सारी गारंटी पूरी होगी, एक एक गारंटी पूरी होगी। सबसे पहले मैं उन 370 कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और जिनका आज नियमितीकरण होने जा रहा है। बाकी सबका भी होगा। ये प्रक्रिया चालू हो गई है,
चुनाव के पहले हमने आपको गारंटी दी थी कि सबका नियमितीकरण करेंगे, बहुत बड़ा काम है नियमितीकरण करना, लेकिन मेरी गारंटी है और एक बार जो मैं कह देता हूं मैं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा कुछ लोगों का आज कुछ लोगों का कल, लेकिन सब लोगों को नियमित करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले 2 महीने से आप लोगों को 1 तारीख को अपने अकाउंट में पूरी तनख्वाह मिल जाती है। मुझे बताया गया कि इसके पहले 2010 में ऐसा हुआ था कि ए बी सी डी सारे विभाग, एमसीडी के सारे विभागों को, सारे कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिली हो। ऐसा आज से 13 साल पहले हुआ था। अब 13 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सबको एक साथ तनख्वाह मिली है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए। और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, सारे वही कर्मचारी हैं, वही नगर निगम है, वही अधिकारी हैं। क्या बदला? बदली तो सरकार बदल गई नगर निगम की, अब ईमानदार सरकार आ गई। आज आप लोगों, अभी आपने दिल्ली के सीएम को सुना, एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं 370 उनको बधाई दी गई है, और जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है उनका भी जल्द नियमितीकरण कर दिया जाएगा। 1 तारीख को सभी के बैंक खाते में तनख्वाह ट्रांसफर समय समय से हो रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।